नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश है और आप इस वक्त टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं। बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बदहाल से पुनर्बहाल करने में जुटे हैं। के पाठक जब सक्रिय हुए तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था अब ठीक होने लगा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ने लगी है। बिहार सरकार ने जो दावे किए बिहार के शिक्षा व्यवस्था को पुनर्बहाल करने की, नजर आ रहा है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में समय पर शिक्षक पहुंचने लगे हैं। लेकिन बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की शिकायत है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक कह रहे हैं कि पाठक साहब, आपके हर फरमान को हम स्वीकार करते हैं। हमें स्वीकार है समय पर स्कूल जाना, हमें स्वीकार है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन साहब थोड़ा समय का ख्याल आप भी रखिए। समय का ख्याल इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक हो रही है। पहले यह व्यवस्था सुबह के 9 बजे से संध्या के 4 बजे तक थी, लेकिन अब के पाठक ने फरमान सुनाया है कि उन बच्चों को मिशन दक्ष के तहत शिक्षित करना है जो पढ़ने लिखने में कमजोर हैं और 1 घंटे की अतिरिक्त उन्हें क्लास देनी है। लेकिन हकीकत आपको समझना होगा और आपको समझना होगा बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के उस समस्या की, जिसका समाधान सिर्फ के पाठक साहब कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार के लोग के पाठक के फैसले से काफी गदगद हैं। हाँ, बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी खुश तो हैं, लेकिन कुछ नाराज भी हैं क्योंकि बदहाल शिक्षा व्यवस्था को पुनर्बहाल करने में जुटे के पाठक एक्शन ले रहे हैं, के पाठक निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि सुबह के 9 बजे से संध्या के 5 बजे तक जो सरकारी स्कूल के शिक्षक बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, वो अपने घर किस वक्त जाएंगे। सबसे बड़ी बात की खास तौर पर बिहार में महिला शिक्षकों की बड़ी संख्या है। ऐसे में जब छुट्टी का समय होता है और ठंड का यह वक्त है तो समझिए कि सूर्यास्त के बाद शिक्षिकाएं स्कूल से अपने घर जाती है। सरकार ने जिस तरीके से जिम्मेवारियां बढ़ाई है बिहार के शिक्षकों की, बिहार के शिक्षक उसे स्वीकार कर रहे हैं। 8 घंटे पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हो रही है, लेकिन मिशन दक्ष के तहत जिन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा शिक्षकों को दिया गया है, हकीकत यह है कि वो पढ़ा तो रहे हैं लेकिन बच्चों की संख्या उतनी सरकारी स्कूल में मिशन दक्ष के तहत पढ़ने वालों की संख्या दिख नहीं रही है। ऐसे में शिक्षक की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो 9 बजे सुबह तो स्कूल में पहुंच रहे हैं, बच्चों को पूरे दिन पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब बारी हो रही है घर जाने की तो अब ठंड का मौसम है, सूर्यास्त हो जा रहा है। समस्याएं उन महिलाओं की, समस्याएं उन पुरुष शिक्षकों की बढ़ जा रही है जो एक अलग स्थान से एक लंबी दूरी तय कर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल तक पहुंचते हैं। ऐसे में आपको यह समझना होगा, पाठक साहब को भी समझना होगा कि सुबह के 9 बजे से संध्या के 4 बजे तक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक इस वजह से नाराज नहीं हैं कि उन्हें अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। इस वजह से वो चिंतित हैं कि संध्या में 5 बजे जब छुट्टी होती है तो अगर वर्तमान समय देखें तो 5 बजे का वक्त सूर्यास्त का हो जाता है। ऐसे में सूर्यास्त के बाद उन्हें अपने घर जाना होता है। सुबह के 6:35 पर सूर्योदय होता है। 2.5 घंटे का समय शिक्षकों को मिलता है अपने घर के निजी दिनचर्या के लिए। उसके बाद 9 बजे सरकारी स्कूल में पहुंचकर बच्चों को पूरे दिन पढ़ाना है। संध्या के 5 बजे छुट्टी होती है तो के पाठक साहब को यह समझना होगा कि बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक भला ऐसे में कैसे पढ़ाएंगे। 9 बजे सुबह स्कूल तो आ जाएंगे लेकिन अब हार कपाने वाली ठंड आ रही है। संध्या में जब 5 बजे सूर्यास्त हो जाता है तो उन्हें घर जाने में जो समस्याएं हो रही है, इसका समाधान कैसे होगा। बिहार के बच्चों के भविष्य को संवारने और सुधारने का जिम्मेवारी, जवाबदेही जिन शिक्षकों पर है,
भला सोचिए वो अपने घर की जिम्मेवारी और जवाबदेही को कैसे निभा पाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक के पाठक के सामने खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। उन्हें डर है निलंबन का, उन्हें डर है उनकी नौकरी जाने का, क्योंकि पाठक साहब के फैसले अपने आप में अहम है। ऐसे में वो दबे जुबान से कह रहे हैं, साहब जैसे हिटलर ने शासन किया आप हम सब पर कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि के पाठक जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं, बिहार के गांव के बच्चों को, बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलने लगी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीपीएससी से चयनित जिन शिक्षकों को बिहार में नौकरी मिली है वो बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन इसमें दो राय है कि संध्या के 5 बजे के बाद जिन शिक्षकों को अपने घर जाना पड़ता है, एक लंबी दूरी तय कर अपने घर तक पहुंचना पड़ता है, उनके सामने बड़ी समस्या है। ऐसे में देखना यह होगा कि ठंड के इस मौसम में क्या के पाठक साहब का दिल पिघलता है बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर। और संध्या के जो 5 बजे का तक का समय है मिशन दक्ष के तहत, स्कूलों में बच्चों की संख्या के अनुसार साहब क्या समय घटाते हैं, इस पर बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों की निगाहें टिकी हुई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।